हाय गाइस, दिस इज सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और आपका स्वागत है। गाइस, आज हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का स्टडी करेंगे। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे दिखते थे और वो कैसा कार्य करते थे। तो चलिए गाइस, हम इसे एक इमेज की सहायता से स्टडी करेंगे। चलिए गाइस, तो हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में विस्तार से समझें कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस सन में हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में हम आज विस्तार से स्टडी करेंगे। चलिए गाइस, आज हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कब आए, उन किस सन में आए और उनकी क्या क्या विशेषता रही है और वो दिखने में कैसे दिखते थे और उस पर क्या क्या लगा होता था। तो चलिए गाइस, आज हम इसी पर विस्तार से अध्ययन करेंगे कि प्रथम कंप्यूटर को किसने बनाया और वो किस प्रकार दिखाई देता था। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप जान लें कि प्रथम कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर 1946 से 1959 के बीच में हुआ। इसे 1946 में प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ट ने और जॉन मोचली ने फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने निर्वात ट्यूब का उपयोग किया। ओके गाइस, फिर इसके बाद में उन्होंने अपने नए खोज का नाम एनियक रखा था। जी हाँ गाइस, उन्होंने अपने नए खोज का नाम एनियक रखा था। एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है नामक इस कंप्यूटर का वजन लगभग 30 टन था। आप सोच सकते हैं गाइस, फर्स्ट जो हमारा कंप्यूटर था ये वाला, इसकी वजन 30 टन हुआ करती थी शुरुआत में और इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस इमेज में 18,000 वैक्यूम की लगी हुई थी। यह कंप्यूटर एक भारी मशीन, हैवी मशीन के समान था। आप देख सकते हैं कितना भारी ही है। ओके गाइस, जिसे चलाने के लिए लगभग 160 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। ओके गाइस, वर्ष 1951 में रेमिंगटन रेड ने वाणिज्यिक इस्तेमाल का पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक 1 बाजार में उतारा। ओके गाइस, यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब प्रयुक्त हुआ था। आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। सारे निर्देशों तथा सूचनाओं 0 तथा 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे। इसमें मशीनी भाषा प्रयुक्त की गई थी, तो ये कुछ कुछ खास इसमें हुआ करती थी। यूनिवैक 1 में संग्रहक के लिए पंचकार्ड का उपयोग लाया जाता था। यूनिवैक तथा मार्क, ये 3 इसके उदाहरण हैं। उस समय ये कंप्यूटर हुआ करती थी गाइस। आप इमेज में देख सकते हैं ये भी हमारा फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है।
देखिए गाइस, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगा हुआ करती थी। ये आकार में भी बहुत बड़े दिखाई पड़ते थे। ओके गाइस, फिर जैसे जैसे हमारा पीढ़ी चेंज होते गया, हमारे कंप्यूटर के आकार भी छोटे होते गए। ओके गाइस, इसके बाद में निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ समस्याएं भी थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने में काफी वक्त लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता था, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीले वातानुकूलित यंत्र का प्रयोग किया जाता था तथा अधिक मात्रा में बिजली खर्च होती थी। ओके गाइस, इमेज में आप देख सक रहे हैं कि हमारा ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है।